मम्मी जी, अगर आप कहें तो मैं खाना दिया हूँ पापा को। औकात में है के बात कर, मेरे घर में खड़े होकर मुझे ताना दे रही है, तेरी हिम्मत कैसे इस तरीके की बात करने की, समझती क्या तुमने आपको? तुम लोगों में से राहुल किसी को कुछ बोल के गया? अब पापा वो चुपके से चले गए। मम्मी जी, वो कोई नोट छोड़ के नहीं गए। एक काम करो, तुम्हारा फोन दो। फोन यहीं पे रखे चला गया। इस तरीके से फोन घर पे छोड़ के कोई कैसे जा सकता सुनाली? मम्मी जी, ये देखो, ये जिस तरीके से खुला है ये अपने आप नहीं खुला है, इसे खींच कर निकाला गया। राहुल कहाँ गया होगा राज? मुझे बहुत डर लगता है, कहाँ गया होगा राहुल? हाँ सुनाली, तुम टेंशन मत लो, मैं ढूंढता हूँ ना उसे। जैसे ही पता चले मुझे फोन जरूर कर दीजिएगा। ये लो राहुल का फोन, और सारे नंबर पे फोन करके पूछो कि राहुल का कोई पता है कि नहीं। ठीक है मम्मी जी, जाओ। हाय, क्या हुआ? सर्कस क्यों बना रखा है घर को? सब इतने टेंशन में क्यों है? हमारे घर की परेशानियों का कारण सिर्फ एक ही इंसान तो हो सकता है, बंद द वन एंड ओनली राहुल। क्या हुआ राहुल को? रात को किसी को बिना बताए कहीं बाहर चला गया। आई एम श्योर उस बहन जी मानवी से परेशान होकर कहीं भाग गया होगा। ये खून मेरे हाथ में कहां से आया? ओ गॉड, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? नहीं आए? अच्छा, अगर वो आपके पास आए तो आप प्लीज उन्हें ये कह दीजिएगा कि वो मुझसे बात कर ले, ठीक है? थैंक यू। मानवी, गुरुजी का अभी फोन आया था, वो अपने शिष्य के साथ आश्रम से निकल चुके हैं। लेकिन मम्मी जी, अभी तक तो खाना तैयार ही नहीं हुआ। इट्स ओके, काम डाउन, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हम जल्दी से खाना बना लेंगे, ठीक है? डोंट वरी। और हाँ, राहुल की टेंशन बिल्कुल मत लो, राज गए हैं ना, उसे ढूंढ कर जरूर लाएंगे, ठीक है? जी, चलो बेटा। जी। पर निशा, राहुल ऐसे बिना बताए कहीं भी कैसे जा सकता है? अवंती, मैं तुम्हें कह तो रही हूँ ना, वो उस बहन जी की वजह से कहीं परेशान होकर चला गया होगा।
निशा, आई एम सीरियस, ओके? घर में किसी को भी नहीं पता कि राहुल का है। अरे अवंती, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? वो गया होगा कहीं पे, आ जाएगा वापस। और वैसे भी वो कोई छोटा बच्चा नहीं है जो एक बार कहीं गया तो खो जाए। सो जस्ट रिलैक्स। हे अवंती, तुम्हारे पास भोग के लिए कोई आइडिया था ना? टेल मी, व्हाट्स द प्लान? सीरियसली, व्हाट्स रॉन्ग विद यू निशा? यहाँ राहुल का कुछ अता पता नहीं और तुम्हें अपने चीप थ्रिल्स एंजॉय करने हैं। Oh my God, what's wrong with you, Avanti? I mean, तुम्हें राहुल से इतना सीरियस वाला प्यार है कि तुम उसके लिए इतनी ज़्यादा परेशान हो? निशा, मुझे राहुल किसी भी कीमत पर अपना बनाना है और मानवी को उसकी लाइफ से निकालना है। लेकिन अगर इससे पहले राहुल को कुछ भी हो गया ना, तो वो मानवी जीत जाएगी और ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी, क्योंकि अवंती तलवार कभी नहीं हारती, समझी तुम? हाँ बाबा। और वैसे भी मुझे भी पूरा कॉन्फिडेंस है कि तुम उस बहन जी से कभी हार ही नहीं सकते। सो डोंट वरी, राहुल भी अपने दोस्तों के साथ कहीं पार्टी वार्टी करने गया होगा। यू डोंट वरी, ओके? ओके। वो ये लो तुम्हारे भोग के प्लान के लिए, ये या खोलो। हाँ, चिकन सुपर्ब अवंती। अब समझ आया, तो मतलब टेबल पे से वेज खाना हटा के मुझे इस चिकन को वहां रख देना है। ब्रिलियंट, स्मार्ट। हाँ, और बाकी काम तो जब ये गुरुजी के सामने खुलेगा तभी हो जाएगा और हमारा प्लान भी पूरा हो जाएगा। ब्रिलियंट। उसके बाद तो मानवी का रिएक्शन देखने लायक होगा अवंती। तुम्हें पता है अवंती, डैड गुरुजी को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और अगर गुरुजी नाराज हुए तो मानवी की तो शामत ही आ जाएगी। घसीट घसीट के निकालेंगे मानवी को घर से बाहर। और उस बेचारी का लक तो देखो, इस बार तो राहुल भी नहीं है उसकी जान बचाने के लिए। वेल डन अवंती, माइंड ब्लोइंग। थैंक यू निशा। नहीं राहुल कहाँ रह गया, कुछ बोल के भी नहीं जाता वो लड़का। मम्मी जी आप फिक्र मत कीजिए, पापा गए हैं ना, आई एम श्योर वो राहुल को ढूंढ लेंगे। अरे अरे छूना मत इसे, रुको मैं हाइस लाती हूँ। मैडम, राहुल भाई आ गए। राहुल आ गया, राहुल आ गया। तुम ठीक हो ना? कहाँ चले गए थे सबको बिना बताए? पता है सब कितना परेशान हो रहे थे। बोलो राहुल, ये सब क्या है? हाँ, ये क्या हाल बना रखा है? बगैर किसी को बताए, बगैर सिक्योरिटी के, आधी रात को तुम कहाँ चले गए? राहुल, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। तुम अपना फोन भी साथ नहीं लेकर गए और गाड़ी लेकर गए, कहाँ गए थे तुम? ऑस्ट्रेलिया से एक दोस्त आया था मेरा, एक ही रात के लिए आया था, तो मैं चला गया मिलने। अरे तो कम से कम फोन तो लेकर जाते, ना गाड़ी ना फोन कुछ भी नहीं। हाँ, वो पिक करने आया था मुझे और वो रात थी तो फोन ले जाना भूल गया मैं। बस कीजिए, कितना डांटेंगे आप, आ गया है ना वो, बस। क्या बस? हाँ, गैर जिम्मेदारी की हद होती, घर में सब लोग इतने परेशान हो रहे, और ये बैंडेज, इसे निकालने की क्या जरूरत थी? नहीं, वो लूज हो गई थी तो मैंने निकाल दी, मुझे रियलाइज नहीं हुआ। राहुल, तो छोटा बच्चा नहीं, पूरे शहर में पागलों की तरह ढूंढ रहा था तुझे मैं। अरे कम से कम किसी गार्ड को तो बता के जाता। बस कर राज, मुंडा आ गया ना कार,
वापिस भगाएगा उसे तू? वैसे भी वो अब छोटा बच्चा थोड़ी ना, उसकी शादी हो गई है बेटा, उसकी बीवी के सामने तू उसे इतना डांट रहा है। राहुल उतर जा तू। सॉरी डैड। राहुल पुत्र, कैसे दादी? पुत्र तू रूठ कर तो नहीं आया ना? देख राज थोड़ा कड़वा जरूर है, लेकिन वो सही कह रहा था। अब तू बिना बताए घर से जाएगा तो फिक्र तो लग जाएगी ना। तू मानवी के बारे में सोच, बीवी है तेरी, तू उसके बारे में नहीं सोचेगा तो और कौन सोचेगा? बेचारी कितनी परेशान हो गई थी, ऊपर से भोग की अलग तैयारी करनी थी, सोनाली की टेंशन के सामने वो बेचारी अपनी परेशानी तो बता ही नहीं पा रही थी। क्या बात कर रही हैं? मानवी मेरे लिए परेशान थी। और नहीं तो क्या, डर के मारे बेचारी का मुंह इतना सा हो गया था। पुत्र, वो दिखाती नहीं है मगर अंदर ही अंदर घुटती रहती है, बहुत परेशान थी। तुझे सोचना चाहिए ना उसके बारे में, बीवी है वो तेरी, तुझसे उम्मीद लगाती है। अब तू उसका ख्याल नहीं रखेगा तो और कौन रखेगा? अब जैसे तू आज आया, आने के बाद तू सीधा जाकर अवंती के साथ खड़ा हो गया, अब उसे बुरा नहीं लगेगा? अब कैसे उछल उछल कर अवंती तेरे गले मिल रही थी, इतना बुरा लग रहा था। एक तो मुझे ये बात समझ नहीं आती कि जब देखो वो लड़की यहीं चली आती है, अरे अपने घर में क्यों नहीं रहती? अब मानवी को बुरा नहीं लगेगा क्या है? ऐसी बातों पर ना बीवी का हक होता है, दोस्तों का नहीं। मानवी बेचारी आते आते रह गई। आप सही कह रही हैं, मैं आगे से इस बात का ख्याल रखूंगा। I'm sorry. एक बात और बोल देना उसे, यूं उछल उछल कर तेरे गले मत लगा करे, वरना एक दिन ऐसा उसको गले लगाऊंगी ना कि उठ ही नहीं पाएगी वो। हाँ ठीक है। ये बैंडेज ये मैंने क्यों उतारा? मैं आधी रात को उस जंगल में कैसे पहुंच गया? वो खून किसका था? वो मेरे हाथ पर आया कहां से और क्या हो गया है मुझे? क्यों मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। राहुल के आने के बाद से तुम कुछ ज्यादा ही खुश लग रही हो। निशा, खुशी राहुल के आने से ज्यादा आनी का चेहरा देखने में थी। तुम्हें पता है उसका चेहरा इतना सा हो गया था जब मैंने राहुल को हग किया। हाय मासे अवंती, तुम एक भी मौका नहीं छोड़ती ना मानवी को जलाने का। वैसे निशा, तुमने अपना काम किया, डिशेज बदले। कम ऑन अवंती, ऑफ कोर्स मैं भी तो कोई मौका नहीं छोड़ती। दैट्स व्हाई वी आर सच गुड फ्रेंड्स। वो इडियट मानवी अपने ही हाथों से बड़े ही प्यार से गुरुजी को भोग में चिकन खिलाएगी, और जब मांस खाने के बाद गुरुजी सीन क्रिएट करेंगे ना, उस सिचुएशन का तो मैं वेट कर रही हूँ। अब देखना, अब मानवी की शामत आएगी, डैड तो उसे छोड़ेंगे ही नहीं। निशा, अब देखो मजा कितना आता है, और अब तो राहुल भी आ गया है, ये सब तो उसके सामने ही होगा, तो तुम्हें पता है वो कुछ कर नहीं पाएगा इसके बारे में। बेचारी मानवी, उसका तो कोई चांस नहीं है बचने का आज। इस घर में उसका आज आखिरी दिन है। सो, कैसा लग रहा है तुम्हें? आई एम होपिंग। शुक्र है भगवान का, राहुल भोग शुरू होने से पहले ही घर वापस आ गए। मम्मी जी तो कितनी परेशान हो गई थी। सिर्फ तेरी सास परेशान नहीं थी मानवी, चेहरा देख अपना, तुझे कितना सुकून मिला है ना राहुल के वापस आने से। तो उस इंसान के लिए परेशान थी जिसने तेरे बाबा को जान से मारने की कोशिश की। तू भूल गई ना, ये वही इंसान है जिसने तेरे बाबा की जान लेने की कोशिश की, और अभी तो खाली सिर्फ शक है। सोच, अगर नीरू ने राहुल का नाम ले लिया तो फिर तू क्या करेगी?
तब भी तुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना मान, क्योंकि तू तो उसे दिल ही दिल में माफ कर चुकी है, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या तू राहुल की फिक्र में इतनी अंधी हो गई कि तुझे तेरे बाबा का कोई ख्याल ही नहीं? उनके खूनी को तू माफ कर देगी? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि राहुल ऐसा नहीं कर सकता। अच्छा, मतलब अंदर ही अंदर तू राहुल को माफ कर चुकी है, तो ये मान चुकी है कि राहुल गुनहगार नहीं है। तो इसका मतलब तू सुजॉय पर शक कर रही है, उस आदमी पर जिसने आग में कूद कर तेरी जान बचाई? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि। तो फिर क्या कह रही हो तुम? सुजॉय ने खुद अपनी आंखों से राहुल को देखा था बाबा को धकेलते हुए, तुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं? ऐसा भी तो हो सकता है कि सुजॉय को कोई गलत फहमी हुई हो, उसे लगा हो कि वो राहुल था, लेकिन हो सकता है कि वो राहुल ना हो। अच्छा, तो फिर राहुल ने सुजॉय पर इल्जाम क्यों लगाया? हाँ, वो ये भी तो कह सकता था कि उसने ये काम नहीं किया। सोच मानवी, राहुल ने तुझसे किन हालात में शादी की? याद है उसने तुझसे धोखे से शादी की थी मानवी? क्या बहाना बनाया था उसने? उसने तुझसे ये कहा था कि बाबा ने उसे ये कहा है कि वो तुझे सुजॉय से बचाए। तू मानती है इसे? क्या तुझे वाकई लगता है कि तेरे बाबा राहुल से मदद मांगेंगे? कभी नहीं। जिंदगी की आखिरी सांस लेते हुए भी अगर राहुल इकलौता इंसान बचाना, तो भी तेरे बाबा कभी उसकी मदद नहीं मांगेंगे। तू भूल गई मानवी, तेरे बाबा तुझसे क्या कहते थे? कि वो राहुल से नफरत करते, सिर्फ और सिर्फ नफरत। तो तू राहुल की बात कैसे मान गई? तू बदल गई है मानवी, तेरी सोच बदल गई है, लालची हो गई है तू। तेरे लिए तेरे बाबा के गुनहगार को ढूंढने से ज्यादा जरूरी राहुल को बचाना हो गया। तू सिर्फ नीरू के मुंह से ये सुनना चाहती है कि वो इंसान राहुल नहीं। तू तो राहुल के साथ अपना घर बसाने का सपना देखने लगी है। तू ये नहीं जानना चाहती कि आखिर वो इंसान था कौन जिसने तेरे बाबा के साथ ये सब किया। अपनी माँ को अकेला छोड़ के हॉस्पिटल में, तो यहाँ अपनी सास को अपनी माँ का दर्जा देने में लगी हुई। दोषी की पहचान ढूंढने की जगह तू यहाँ राहुल के परिवार की सेवा में लगी। बेटी का फर्ज निभाने की जगह तू यहाँ उसके परिवार के साथ बहू का फर्ज निभा रही है। नहीं, ये सब झूठ है। मैं अपने माँ बाबा का प्यार भूली नहीं हूँ। मैं पहले अपने बाबा की बेटी हूँ और बाद में इस घर की बहू। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बाबा के दोषी को ढूंढ के रहूंगी। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, चाहे वो राहुल ही क्यों ना हो। मैं अभी नीरू को फोन करती हूँ, अभी पता लगाती हूँ। The number you are trying to call is currently switched off. नीरू का फोन बंद। नीरू, नीरू बेटा दरवाजा खोलो। नीरू, अरे दरवाजा खोलो बेटा। नीरू, नीरू। Excuse me, sir. क्या हुआ? क्या बात? सर, अच्छा हुआ आप लोग आ गए। बताइए क्या बात है? सर, मैं एक लॉयर हूँ और अपने कोर्ट केस के सिलसिले में दो दिन से शहर से बाहर गया हुआ था जी। मेरी बेटी नीरू घर पर अकेली थी। अब एक घंटे से बेल बजा रहा हूँ और वो कोई जवाब ही नहीं दे रही, दरवाजे नहीं खोल रही है। तो आपकी बेटी बाहर गई होगी, फोन करके देख लीजिए। नहीं इंस्पेक्टर साहब, उससे मेरी बात हुई थी, उसने कहा था कि वो घर पर ही रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। फिर एक काम करते हैं, दरवाजा तोड़ के देख लेते। जी सर। रजाक, अशोक, देखो जरा। रजाक, अशोक, छोड़ दे, मैं देखता हूँ। नीरू, नीरू बेटा कहाँ हो तुम? फोन ऑफ है, आई थिंक बैटरी डेड हो चुकी। पर यहाँ ये क्या हुआ है? नीरू बेटा, Thank you.
और यहाँ देखिए नीरू बेटा, नीरू बेटा, नीरू बेटा। ये क्या है? फिर से